नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। चित्तौड़गढ़ के बागी विधायक चंद्रबान सिंह आक्या ने गुरुवार को जेपी नड्डा से मुलाकात करके भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है। आक्या ने चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवे को हराया था। पार्टी की ओर से टिकट कटने के बाद उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए थे, लेकिन अब वे भाजपा के समर्थन में आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि चंद्रबान सिंह आक्या अब भाजपा के पाले में हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के 4 दिन बीत जाने के बाद भी भाजपा राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर फैसला नहीं कर पाई है। सीएम चेहरे को लेकर हो रही देरी के कारण प्रदेश का सियासी माहौल लगातार बदल रहा है। वसुंधरा राजे करीब 8 बजे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंची, जहां दोनों के बीच बैठक चल रही है। बता दें कि राजे शाम 5 बजे नड्डा से मुलाकात करने वाली थी, लेकिन नड्डा लगातार बैठकें कर रहे थे, इस कारण इसमें देरी हो गई थी। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं में बातचीत हुई थी। इसके बाद राजे कार में सवार होकर वापस चली गई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। इस बैठक के कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।